हेलो दोस्तों वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास टेंथ वालों के लिए मोस्ट वी वी क्वेश्चन के रूप में मैथमेटिक्स गणित का दोस्तों ये सेट नंबर वन है मोस्ट वी वी मॉडल सेट क्वेश्चन के रूप में हम लोग दोस्तों करने वाले हैं काफी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं दोस्तों ठीक है आगे की वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों अगर पसंद आता है तो ठीक है और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है दोस्तों वेबसाइट का जहाँ से आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज साथ में ऑब्जेक्टिव और साथ में मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जाके आप लोग पढ़ सकते हो सारे चीज़ अपलोड कर दिया गया है ठीक है स्टार कस्टडी डॉट कॉम गूगल पर लिखी गया फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो चलिए यहाँ पे जानते हैं दोस्तों सेट नंबर वन में इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है और आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों वही मैं आप लोग के यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ ठीक है चलिए बने रहिएगा लास्ट तक तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक का अभाज्य गुणनखंड में दो का महत्तम घात कितना होगा देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत सारे छात्र इसको बना भी लेंगे एक का अभाज्य गुणनखंड यहाँ दोस्तों अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ से पहले दो से लगाएंगे हम लोग दो का महत्तम घात पूछा जा रहा है ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दो सत्य चौदह दो अट्ठे सोलह मतलब अठहत्तर से लगेगा फिर इसको हम लोग दो से एक बार और लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे उनचालीस दुनिया इतर ठीक है फिर यहाँ से देखिए दो से नहीं लग रहा है दोस्तों ये तीन से लग रहा है यहाँ पे तेरह या उनचालीस तो अब यहाँ पे कितना है दोस्तों दो गुने दो ठीक है ये दो के बराबर इसको लिख सकते हैं दो के पावर दो तो टोटल कितने घात है दोस्तों दो के महत्तम घात मतलब मैक्सिमम घात तो ये दो ही है तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दो मैक्सिमम घात होगा दो का बहुत ही इजी क्वेश्चन था एक का भाजगुणन खंड में दो का महत्तम घात पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन और हर साल पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन को तो याद रखिएगा और बनाइएगा ठीक है एक का डी चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि रूट ग्यारह एक कौन सी संख्या है देखिए रूट ग्यारह तो रूट ग्यारह आप लोग जानते होंगे दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है जो यहाँ पे पूर्ण वर्ग रूप नहीं है इसका नहीं निकाल सकते हम लोग ये अपरिमेय संख्या हो जाता है जिसको हम लोग पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं ठीक है तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा एक का दो का ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किसी अपरिमेय संख्या ए का व्युतक्रम अगर वन अपन ए है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या की बात हो रही है दोस्तों मान लो कि रूट ग्यारह मान लो रूट ग्यारह ठीक है ठीके? और इसी का अव्युतक्रम वन बटा रूट ग्यारह अगर लिखेंगे दोस्तों हम तो इसको हम लोग कौन से कौन सा संख्या बोलेंगे अपरिमेय ही बोलेंगे क्योंकि तो परिमेय हो नहीं जाएगा क्योंकि पूर्ण जो दिया गया है रूट ग्यारह तो ये पूर्ण वर्ग रूप तो नहीं होगा तो ये वन अपन रूट ग्यारह भी आप लोगों का अपरिमेय संख्या भी मतलब अपरि अपरिमय संख्या ही कहलाएगा ठीक है तो सही उत्तर तीन का क्या हो जाएगा आपका ए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों व्युत निकालेंगे हम लोग किसी भी अपरिमेय संख्या का तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर p एक अभाज्य संख्या मान लो कि दोस्तों दो ही है ठीक है दो मान लो कि एक अभाज्य संख्या है दो तीन पाँच तो इसमें से मान लेते हैं हम कि दो एक अभाज्य संख्या है अब रूट अंडर दो मतलब पी के जगह पे हम दो माने हैं तो यहाँ पे रूट अंडर पी है तो रूट अंडर दो होगा तो रूट अंडर टू जो होगा वो कौन सी संख्या होगा अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या फिर प्राकृतिक संख्या तो ये होगा दोस्तों अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग रूप कभी नहीं निकल पाएगा अभाज्य संख्या का जो खुद से और और एक से करता हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों तो यहाँ पे से उत्तर क्या हो जाएगा रूट टू मतलब रूट अंडर पी जो होगा वो अपरिमय संख्या हो जाएगा तो चार का सही उत्तर आपका बी सही उत्तर है ठीक है बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये सभी अब चलिए बहुपद से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा और ये सभी क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट के क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में काफी बार देखने को मिलते हैं ठीक है लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेगा वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियो को पाने के लिए चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बहुपद टू एक्स क्यू माइनस थ्री के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव के शून्यंकों का योग यहाँ पे छः दिया गया है दोस्तों तो केक का मान कितना होगा शून्यांक मतलब अगर कितना वैल्यू रखेंगे दोस्तों यहाँ पे केक की जगह पे हम लोग इसका वैल्यू आप लोग का यहाँ पे शून्य आ जाएगा ठीक है इसका मतलब यही हुआ कि शून्यांकों का योग दिया गया है आप लोगों का छः यहाँ पर ठीक है तो इसका के का मान जो निकालोगे दोस्तों आप लोग यहाँ पर कितना आएगा निकालते हैं हम लोग ठीक है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे शून्यांकों का योग बोला जा रहा है छः तो इसका मान लेते हैं हम शून्यंक जो यहाँ पे दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं और इसका होता है माइनस बी अपॉन ए ठीक है तो माइनस बी के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और माइनस थ्री के अब बट्टा यहाँ पे बी ए के जगह पे कितना है दोस्तों दो है अब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है छः बराबर यहाँ पर प्लस थ्री के हो जाएगा और अपॉन टू होगा तो ये तीन छे हो जाएगा तो के का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा दो दुनी चार तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन चार हो जाएगा आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों शून्यंकों का योग दिया गया है तो के का वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छे नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये भी कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व के शून्यंक अल्फा प्लस बीटा दिया गया है तो अल्फा प्लस और अल्फा और बीटा दिया गया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू को माइनस बी अपॉन ए तो माइनस सेवन अपॉन वन तो इसका मतलब माइनस सेवन ही होगा तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सात नंबर दोस्तों कि पी के मान जिसके लिए बहुपद ये दिया गया है कि पूर्णतया एक्स माइनस टू से भाज्य है तो हम लोग भाग देंगे दोस्तों यहाँ पे एक्स माइनस टू से एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एट तो यहाँ पे पूछा है कि p का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे ताकि ये पूर्णतया भाज्य हो जाए ठीक है x माइनस टू से तो आप निकालिएगा दोस्तों यहाँ पे x माइनस टू से अगर देंगे तो एक्स क्यू हम लोग को यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से हम लोग करेंगे तो एक्स क्यू उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर तो ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस यहाँ पे माइनस है तो प्लस ये एक्स से एक्स कट जाएगा एक्स क्यू से एक्स क्यू और यहाँ पे सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी एक्स प्लस ऐट फिर यहाँ पे हम लोग कितने से कुना, करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्लस सिक्स एक्स से ठीक है तभी तो यहाँ पे सिक्स स्क्वायर होगा उसके बाद यहाँ पे माइनस बारह एक्स होगा फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे दोस्तों प्लस है तो माइनस फिर यहाँ पे प्लस ये कट जाएगा तो आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा बारह एक्स और माइनस पी एक्स ठीक है और प्लस ऐट हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कितना वैल्यू रखेंगे ताकि ये जीरो आ जाए दोस्तों शेष तो इसका वैल्यू लोगों को रखना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पे कितना सोलह ठीक है कितना रखेंगे दोस्तों सोलह ताकि ये आप लोग को देखिए अगर सोलह रखते हैं यहाँ पे तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस फोर एक्स और प्लस एट तो यहां पे हम लोग कितना से गुना मतलब करेंगे भाग देंगे माइनस तो फोर से ताकि यहाँ पे माइनस फोर एक्स आ जाए और यहाँ पे चार दुनिया आठ प्लस एट हो जाती है यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे माइनस तो दोनों कट जाएगा ठीक है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों इसका वैल्यू आप लोग का सोलो हो जाएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन था अगर बनाना जानते होंगे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा ठीक है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो एक नंबर वाले हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग को दो नंबर में भी पूछा जा सकता है जिसमें आप लोग को कुछ कुछ स्टेप जो है बनाना पड़ सकता है चलिए आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि द्विघात बहुपद की शून्यांकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है भाई दो घात वाले बहुपद की बात हो रही है ना तो शून्यांकों की जो संख्या होती है दो होती है कितनी होती है दो द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है दो होती है बहुत ही ईजी क्वेश्चन आठ का सी नौ नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि रेखाएं x प्लस टू वाई माइनस फोर बराबर जीरो दिया गया है और टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस बारह बराबर जीरो है तो ये किस तरह का यहाँ पे बता रहा है कि समांतर होती है दोनों रेखा या फिर संपाति नहीं होती है या फिर प्रतिच्छेदक है या फिर सभी उत्तर गलत है देखिए दोस्तों x प्लस टू वाई माइनस फोर बराबर जीरो दिया गया है और टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस बारह बराबर जीरो दिया गया है तो इसका आप लोगों को निकालना पड़ेगा दोस्तों तो ये रेखाएं जो होगी वो समांतर हो जाएगी आपस में क्या हो जाएगी समांतर इसके लिए एक शर्त होता है दोस्तों वो शर्त को ये फॉलो कर रहा है ठीक है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे नौ का ए देखिए कैसे कर रहा है दोस्तों यहाँ पे शर्त जो फॉलो मतलब फॉलो यहाँ पे कैसे कर रहा है देखिए कैसे हम लोग करते हैं दोस्तों जैसे मान लो कि एक्स वन है ये वाई वन है फिर एक्स टू है वाई टू है तो एक्स वन बटा यहाँ पे एक्स है तो ये टू एक्स फिर बराबर हम लोग देंगे दोस्तों टू आई अपॉन फोर वाई तो यहाँ मतलब एक्स वन ये इस तरह से कर देंगे तो ये देखिए दो ये एक्स बराबर वाई जो है दोनों वैल्यू बराबर हो जाता है ये समानांतर होता है आपस में ठीक है तो ये आप लोगों को शर्त याद होना चाहिए तो ना का ए हो जाएगा चलिए दस नंबर देखते हैं दोस्तों कि यदि ए वन बी वन बराबर नोट इजक्ल टू है दिया गया है यदि ए वन बी वन नोट इजक्ल टू ए टू बी वन तब समीकरण निकाय ये दिया गया है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो का जो हल होगा वो कौन सा हल होगा देखिए दोस्तों ए वन उसके बाद यहाँ पे बी टू नोट to टू ए टू बी वन दिया गया है ठीक है और ये दो आप लोगों को समीकरण निकाय दिया गया है जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा हल है तो देखिए दोस्तों इस तरह का अगर पूछा जाए तो ये अद्वितीय हल हो जाएगा इसका अद्वितीय हल किस तरह अद्वितीय हल ये शर्त है दोस्तों ये दोनों समीकरण में जो दिया गया है ए वन बी टू नोट इजकल टू ए टू बी वन तो ये आप लोग का अद्यूटीय हल हो जाएगा दस का ए चलिए ग्यारह नंबर देखते हैं कि समीकरण निकाय x प्लस टू वाई बराबर तीन दिया गया है और फाइव एक्स प्लस के वाई बराबर पंद्रह के अनगिनत हल होने के लिए के का मान कितना होना चाहिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मान लीजिए कि ये एक्स वन प्लस वाई वन बराबर थ्री है उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आप लोग का चलिए एक्स बटा फाइव एक्स उसके बाद यहाँ पे बराबर दिया गया है टू वाई अपॉन के वाई बराबर तीन अपन पंद्रह अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बटा पाँच आया उसके बाद यहाँ पे एक बटा पाँच आया और हम लोग क्या इसका वैल्यू देंगे दोस्तों केक के, के जगह पे ताकि एक बटा यहाँ पे क्या आ जाए पाँच आ जाए ठीक है तो कितना यहाँ पे हम लोग टू वाई अपॉन के वाई है तो ये वाई से वाई कर देगा तो केक का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे दस रखेंगे ताकि यहाँ पे दो पंचे दस हो जाए और एक बटा पाँच वैल्यू आ जाए ताकि इसका जो हल होगा वो अनगिनत हो जाएगा इनफाइनइट हो जाएगा तो एक बटा पाँच बटा एक बटा पाँच बटा एक बटा पाँच ये तीनों जो आ जाएगा दोस्तों बराबर तो इसका हल जो है अनगिनत हल हो जाएगा तो इसका से उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा के का वैल्यू रखेंगे हम लोग कितना दस रखेंगे आप अगर समझते होंगे दोस्तों क्वेश्चन को तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही समय इसका आंसर निकाल सकते हो ठीक है मैंने आप लोग के यहाँ पर बता दिया कैसे निकालना था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बारह नंबर दोस्तों कि यदि दस के पावर थ्री वाई बराबर एक सौ पच्चीस है तो दस के पावर माइनस वाई के मान जो होंगे वो कितने होंगे अब देखिए दोस्तों दस के पावर यहाँ पर थ्री वाई दिया गया है ना और एक सौ पच्चीस दिया गया है यहाँ पर तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाँच के पावर तीन तो दस के पावर माइनस वाई के मान जो होंगे वो कितने होंगे वो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है ठीक है दोस्तों तो इसको निकालना पड़ेगा निकालते हैं हम लोग ठीक है तो इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वन अपॉन फाइव ठीक है यहाँ पे पाँच के पावर तीन आ जाएगा तो दस के पावर माइनस वाई तो यहाँ पे अगर दस के पावर वाई रहता तो ये पाँच आ जाता लेकिन यहाँ पे दस के पावर वाई इस तरह से लिखेंगे तो हम लोग ए वो नंबर पाँच आ जाएगा ठीक है तो सही उत्तर यहाँ पे बारह का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यदि टू के माइनस वन और कोमा के समीकरण दस एक्स माइनस नाइन वाई बराबर बारह का हल है तो के का वैल्यू कितना होगा अब देखिए दोस्तों ये इक्वेशन दिया गया है टेन एक्स माइनस नाइन वाई बराबर बारह और टू के माइनस वन और के जो है इस दोनों समीकरण का मतलब एक्स का हल है के भी है और टू के माइनस वन भी है इसका मतलब हम लोग के का वैल्यू कितना रखेंगे दोस्तों ताकि ये दोनों टर्म जो है बराबर हो जाए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं के का वैल्यू कितना एक रखते हैं ठीक है एक रखते हैं तो दो गुने एक माइनस वन और ई एक कितना हो जाएगा ये दो माइनस एक और एक कितना हो जाएगा एक और एक ठीक है अब यहाँ पे ये यह दोनों का जो हल होगा वो बराबर होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों ठीक है एक मिनट दोस्तों एक मिनट इसको दोस्तों हम लोग ऐसे बनाते हैं ठीक है देखिए टेन एक्स माइनस नाइन वाई बराबर बारह दिया गया है तो इसका मतलब हम लोग टेन और एक्स के जगह पे टू के माइनस वन रखते हैं और माइनस नाइन वाई के जगह पे हम लोग के रखते हैं ठीक है बराबर बारह तब यहाँ से आप लोग को बीस के माइनस दस माइनस नाइन के बराबर बारह तो यहाँ पे बीस के माइनस नाइन के कितना हो गया ग्यारह के और ये इधर हम लोग लेके जाएंगे तो बारह दस बाईस तो यहाँ पर ग्यारह से दुनी बाईस तो के का वैल्यू दो आ जाएगा ठीक है इस तरीका से आप लोग निकालोगे तो आंसर आप लोग का सही आएगा वो गलत तरीका था दोस्तों पहले वाला ठीक है तो सही उत्तर यहाँ पे तेरह का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा चौदह नंबर देखते हैं दोस्तों कि यदि x बराबर सेवन प्लस फोर रूट थ्री है और रूट पूरा में दिया गया है हो तो x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू देखिए दोस्तों यहाँ से आप लोगों को वैल्यू निकालना पड़ेगा और तब यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स निकालोगे वैल्यू तब आप लोगों को कितना आ जाएगा हम लोग निकालते हैं यहाँ पर ठीक है तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए पहले हम लोग को यहाँ पे इसको हल करना पड़ेगा देखिए दोस्तों इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर कैसे लेकर आएंगे इसको हम लोग समझते हैं जैसे जैसे रूट अंडर सेवन प्लस फोर रूट अंडर थ्री है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके बराबर हम लोग को लाना है इसको ठीक है तो यहाँ पे दो का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस रूट अंडर थ्री का स्क्वायर लिखेंगे तो सात आ जाएगा फिर यहां square, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया और इसका फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी ठीक है तो ए के जगह पे यहाँ पे कितना है दो और बी के जगह पे रूट अंडर थ्री तो ये आपका आ गया यहाँ पे दो दुनी चार और रूट अंडर थ्री का स्क्वायर करेंगे तो तीन आएगा तो दो तीन चार तीन सात आ जाएगा तो इसका ये इक्वल हो गया और दो दुनी चार रूट थ्री ये भी इक्वल हो गया तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं दो प्लस रूट अंडर थ्री का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं दोस्तों होल स्क्वायर तो ये आप इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपको रूट भी हट जाएगा तो टू प्लस रूट अंडर थ्री आ जाएगा अब एक्स का वैल्यू इतना आ गया ठीक है अब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का जब वैल्यू निकालोगे दोस्तों परमीकरण करके तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका चार आ जाएगा ठीक है निकाल लीजिएगा दोस्तों एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा चार आ जाएगा बहुत सिंपल था ये इसको निकाल लीजिएगा तो आप आसानी से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स या फिर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कुछ भी निकाल सकते हो आप लोग ठीक है देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पंद्रह नंबर बोला जा रहा है कि x यदि x के पावर n माइनस वन का एक गुणक x प्लस वन है तो n निश्चित रूप से जो होगा n का वैल्यू वहाँ पे क्या होगा x के पावर n में n का वैल्यू कितना होगा जिसका एक गुणक x प्लस वन है देखिए एक कंडीशन होता है दोस्तों इस तरह का सेम टू सेम आप लोगों के बुक में है वो जो है एन का वैल्यू सम संख्या होनी चाहिए तभी इसका गुणक जो यहाँ पे एक्स प्लस वन जो है यहाँ पे आएगा एक्स के पावर एन माइनस वन का एक गुणक अगर दिया रहे तो एन जो है निश्चित रूप से सम संख्या होगा ठीक है दोस्तों तो याद रखिएगा पंद्रह का बी ये आप लोगों को कंडीशन दिया गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोलह नंबर दोस्तों कि यदि रूट अंदर थ्री टेन थीटा बराबर थ्री साइन ठीठा है तो साइन स्क्वायर ठीठा माइनस कौश स्क्वायर ठीठा का वैल्यू कितना होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है रूट अंदर थ्री टेन थीटा बराबर थ्री साइन ठीठा है दोस्तों तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों रूट अंडर थ्री यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ठीक है और बराबर थ्री साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग अब इसका वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग यहाँ पे साइन थीटा साइन थीटा कट गया अब हम कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों आपको रूट अंडर थ्री अपॉन थ्री ठीक है ये लिख सकते हैं और रूट और थ्री को क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रूट अंडर थ्री रूट अंडर थ्री गुने रूट अंडर थ्री तो ये रूट अंडर थ्री से रूट अंडर थ्री कट गया तो वन अपन रूट अंडर थ्री तो कौ सीटा का वैल्यू वन अपन रूट अंडर थ्री आया दोस्तों तो हम लोग यहाँ पे बी अपन एच ये आ गया तो हम लोग साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ पे पी अपॉन एच तो पी बराबर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों रूट तीन और माइनस यहाँ पे एक तो ये रूट अंडर टू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्योंकि सॉरी बी अपन एच होता है ना कॉस्टीटा तो एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर करेंगे हम लोग तो रूट अंडर टू आ जाएगा पी का वैल्यू तो साइन थीटा का वैल्यू और कॉस्ट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों कितना आया है एक बार देख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया है दोस्तों रूट अंडर टू अपॉन रूट अंडर थ्री ठीक है और कॉस्टा का वैल्यू वैल्यून अपॉन रूट अंडर थ्री आया तो साइन स्क्वायर थीटा में हम लोग क्या करेंगे करेंगे तो ये दो अपॉन थ्री ही आएगा दोस्तों क्योंकि स्क्वायर दिया गया है और माइनस यहाँ पे वन अपॉन थ्री आएगा तो यहाँ पे दो में से एक गया एक तो एक अपॉन थ्री किस ऑप्शन में तो सी ऑप्शन में बहुत सिंपल था दोस्तों आप बना लीजिएगा ये क्वेश्चन हालांकि एक नंबर में नहीं देना चाहिए था दो नंबर में पूछा जाना चाहिए था दोस्तों लेकिन आप लोग बना सकते हो ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो सोलह का उत्तर आपका सी हो जाएगा इस तरह के सवाल को दो नंबर में पूछा जाना चाहिए ताकि आप लोग कुछ स्टेप बना के उसको बता सको ठीक है तो क्या हो जाएगा सोलह का दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सत्रह नंबर यदि साइन ए बराबर कौश ए दिया है देखिए दोस्तों साइन ए का वैल्यू मतलब कौश ए तो ए का वैल्यू कितना होता है मतलब दोनों का जो एंगल होता है दोस्तों कब बराबर होता है दोस्तों यहाँ पे वैल्यू तो साइन पैंतालीस बराबर होता है आप लोगों का कौश पैंतालीस ठीक है अब टेन पैंतालीस कितना हो जाएगा यहाँ पर वन हो जाएगा तो सही उत्तर यहाँ पे सत्रह का बी बहुत सिंपल था ए का वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो और इसमें पुट कर दीजिएगा चलिए अट्ठारह देखते हैं दोस्तों कि ए प्लस बी बराबर नाइन्टी डिग्री है तो कौश ए का वैल्यू कितना होगा बहुत सिंपल है ए प्लस बी दोनों इक्वल मतलब दिया गया है नाइन्टी डिग्री तो कौश ए तो कौश नाइन्टी माइनस जो यहाँ पे ए कितना होता है दोस्तों या फिर नाइन्टी माइनस बी तो कौश बी हो जाता है ना तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सॉरी साइन बी हो जाता है देखिए कौस, इसको हम लोग साइन है तो यहाँ पे साइन बी तो हो जाएगा से उत्तर से उत्तर अठारह का सी चलो उन्नीस नंबर देखते हैं दोस्तों दो क्वेश्चन और देख लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियोज में यदि थ्री थीटा बराबर नाइन्टी डिग्री हो तो कौश थीटा बराबर कितना होगा देखिए थीटा बराबर नाइन्टी डिग्री है तो नाइन्टी अपॉन थ्री हो जाएगा ये थ्री थीटा का वैल्यू तो ये आपका तीस डिग्री हो जाएगा तो अब कौश तीस डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा रूट अंडर थ्री अपॉन टू हो जाएगा तो सही उत्तर यहाँ पे उन्नीस का बीस सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए बीस नंबर देखते हैं कि यदि समीकरण टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो दिया गया है का एक मूल जो है माइनस थ्री हो तो पी का मान कितना होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों एक मूल दिया गया है मान लेते हैं दोस्तों कौन सा मूल है ये माइनस थ्री यहाँ पे अल्फा या फिर बीटा कुछ भी मान सकते हो तो पी का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा ठीक है इसको दो तरह से आप लोग निकाल सकते हो दोस्तों तो? हम लोग निकालते हैं यहाँ पे ठीक है तो दोस्तों देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो है तो इसका एक मूल मान लेते हैं दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर माइनस पी अपॉन टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन एक के रूप में फिर अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस थ्री अपॉन टू अब मान लेते हैं दोस्तों अल्फा तो दिया गया या फिर यहाँ पर बीटा दिया गया चलिए बीटा ही मान लेते हैं अल्फा इस समीकरण से हम इक्वल हम लोग यहाँ निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा से अल्फा का वैल्यू तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं माइनस थ्री दिया गया है एक मूल तो माइनस थ्री अपन टू हो जाएगा तो माइनस थ्री से माइनस थ्री कट गया तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे वन अपन टू हो जाएगा अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों का वैल्यू हम लोग को पता चल गया दोस्तों और पी का वैल्यू निकाल सकते हैं इस वैल्यू मतलब इस अल्फ़ा प्लस बीटा में डाल के तो अल्फ़ा का वैल्यू एक बटा टू और बीटा का माइनस थ्री दिया गया है आप लोग को क्वेश्चन में ही तो माइनस पी अपॉन टू तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दो हम लोग यहाँ पे एलसीएम तो दो एक माइनस सिक्स माइनस पी अपन टू दो से दो कट गया तो पी बराबर यहाँ पे पाँच आ जाएगा ठीक है तो सही उत्तर यहाँ पे बीस का क्या हो जाएगा सी आपका सही उत्तर हो जाएगा बनाइएगा दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन था।, था।, था ये और पूछा जाता है दो नंबर में ठीक है दो नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों एक नंबर में भी पूछा जाता, जाता है और दो नंबर वाले में भी पूछा जाता है उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पे बीस जो क्वेश्चन बताए हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों ठीक है हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करने करेंगे हम लोग दो नंबर वाले भी और एक नंबर वाले में भी ठीक है तो बन रही है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद